हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है। एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी, उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं। एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है, सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज़ के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है। एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी, उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं। एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है,
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है
सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलिन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स, ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसेंस। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है।
फ्रेंड्स अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है रैम्बो थर्ड। काफ़ी अच्छी मूवी है फ्रेंड्स। ये रैम्बो फ्रेंचाइजी में थर्ड इंस्टॉलमेंट रहा है एंड रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट सेकंड का 1985 में आई थी उसका सीक्वल रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस यूज़ किए गए हैं एंड इस मूवी में जो मेन लीड रोल में है सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना है। सिल्वेस्टर स्टैलिन की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है, सभी सीरीज के पार्ट्स में काफ़ी पसंद किया गया है इनको। फ्रेंड्स, अगर आप मूवी देखने के लिए आएँ तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रैम्बो थर्ड 1988 में आई अमेरिकन एक्शन फिल्म रही है एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर मैकडोनल्ड। फिल्म को रिटन किया सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड शेल्डन लैटिक। फिल्म को बेस्ड है जॉन रैम्बो बाय डेविड मॉरेल। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बस फेडसन। फिल्म के स्टार्स रहे हैं सिल्वेस्टर स्टैलिन एंड रिचर्ड क्रेना। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी दी है जॉन स्टेना। फिल्म को एडिट किया है जेम्स सेमेंस, एंड्रयू लंदन, ओ निकोलस ब्राउन। फिल्म को म्यूजिक दिया जेरी गोल्डस्मिथ। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है कैरलोको पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया ट्राई स्टार पिक्चर्स। फिल्म की रिलीज डेट रही है 25 मई 1988 यूनाइटेड स्टेट में। रनिंग टाइम 101 मिनट का है। कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेजेस की इंग्लिश। 58 to 63 million dollars का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड 189 million dollars की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। बहुत शानदार मूवी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन रहा है। फ्रेंड्स, अगर इस मूवी के बारे में और बात करें तो द इस सीक्वल रैम्बो वाज रिलीज इन 2008 विद स्टैलन रिप्राइजिंग हिज रोल एंड आल्सो डायरेक्टिंग द।